बस तुझको पाना है वो पिछले कई दिनों से काफ़ी अपसेट था वो अभी भी ख़्यालों में गुम था जब इसे कंधे पर किसी के लम्स का एहसास हुआ था इसने सर उठाकर देखा था वो जबरान था इसका हाथ हमजा के कंधे पर था और वो इसके करीब ही बैठ गया और अपना हाथ बदस्तूर इसके कंधों पर फैलाए रखा था यहाँ क्या कर रहे हो मेरे भाई कुछ नहीं अंदर घुटन महसूस हुई तो बाहर चला आया अच्छा खैरियत वैसे मुझे तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझसे इसकी आंखों में हैरत से मटाई थी हाँ तुमसे। क्या बात है वो परेशानी से बोला यार तुम हिबा से शादी क्यों नहीं करना चाहते वो बहुत अच्छी लड़की है आई एम श्योर दैट शी इज़ अ परफेक्ट लेडी अच्छी लड़की का ये मतलब है कि मैं हर अच्छी लड़की से शादी करता फिरूँ मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा तुम इसके वकील बनकर आए हो इसने सपाट लहजे में पूछा था तुम कुछ भी समझो लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कहूँगा कि एक बार और सोच लो प्लीज़ जिब्रान, मैं इस मौजू पर कोई बहस नहीं करना चाहता वो दो टोक लहजे में बोला था देखो वो बहुत अच्छी लड़की है एक अच्छी शरीक हयात साबित होगी तुम क्यों इनकार कर रहे हो क्या तुम किसी और को पसंद करते हो नहीं किसी के साथ शादी ना करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो किसी और को पसंद करता हो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता मुझे अभी खुद नहीं पता कि मेरा मुस्तबिल होगा तो मैं तुम लोगों को क्या बताऊं? वो सख्ती से बोला तो जिब्रान इसका मुंह तकता रह गया वो शावर लेकर बाहर निकल आया वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहा था आईने में अपने सरापे का जायज़ा लेते हुए इसकी नज़र बेड पर पड़े सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी तो कंधे उचकाते हुए वो बेड की तरफ बढ़ा इसने तजस नज़रों से लिफाफे में से कागज़ को निकाल कर पढ़ना शुरू किया हमज़ा आदत तो थे ही मगर अब तुम मुसीबत बन गए हो हर वक्त हर वक्त हर जगह मेरे लिए बस तुम ही तुम मौजूद होते हो सुना था कि खुदा शहर से भी ज़्यादा करीब होता है तुम नहीं तो मेरी रगे टूटने लगती हैं लोग सांस सांस जीते हैं मैं हमजा हमजा जी रही हूँ मैंने तुम्हारा कोई कमाल नहीं है इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है ये सरासर मेरी अपनी मजबूरी है मैं तुमसे मुखलस हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा मैं तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर हूँ फ़कत हिबा हयात ख़त पढ़ते ही इसके चेहरे का जाविया बदल गया इतने में एक निस्वानी आवाज़ इसकी समाज से टकराई तुम दो दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे हो और तो और जनाब का मोबाइल भी ऑफ है वो हिबा थी जो इसके पीछे खड़ी चिल्लाई थी वो जल हो गया और लेटर हाथ में दबोच कर सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला बैठो थैंक यू वो बैठते हुए बोली थी और वो भी अपने बाल ठीक करते हुए वहीं बेड पर बैठ गया कुछ पियोगी नहीं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो फिर बोला कुछ काम था हाँ वो संजीदा हो गई हमजा मैंने तुम्हें बहुत मजबूर करने की कोशिश की मगर अब मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे इसके होटों पर एक फीकी सी मुस्कान थी मैंने इसके लफ्ज़ों में वाजा लर्जिश थी अल्फाज अंदर ही दम तोड़ गए मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था मैं ये तो नहीं जानती कि मुझ में क्या कमी है जो तुम देख पा रहे हो और मैं नहीं हमज़ा कम अज़ कम एक मौका तो दिया होता मुझे मेरी मोहब्बत साबित करने का एक बार तो आजमा लेते इसकी आंखों में नमी आ गई थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहने लगी थी इसकी आवाज़ रन सी हो गई थी हमज़ा अगर अगर तुम एक बार भी झूठ बोल देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं सुकून में आ जाती लेकिन तुम्हारे अंदर का तकबर तुम्हें ऐसा करने नहीं दे पा रहा मैं जानती हूँ वो रोते हुए कहने लगी मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं की जाती लेकिन अगर कोशिश की जाए तो क्या मुमकिन नहीं सब कुछ हो जाता है वो नजरें झुकाए साकत बैठा था बेहस हो तुम वो चिल्लाई थी लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे याद करोगे लेकिन मैं तुम्हारे पास न होंगी उस वक्त तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुमने किस तरह मेरी सच्ची मोहब्बत ठुकरा दी थी वो उठी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई इसने अपना चेहरा उठाया इसकी आंखों में नमी के बायस धुंध ही धुंध थी जिंदगी की परवाज इंसान को किस जगह ला फेंकती है ये तो आने वाला वक्त बताता है लेकिन बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि एक वक्त में एक जैसा ही हो रहा होता है शायद तकदीर इसी को कहते हैं नामालूम के नामालूम मुसाफिर रात से बारिश वक्फे वक्फे से जारी थी कभी खुलकर बरसती तो कभी पानी के कतरे अपनी रफ़्तार कम कर देते बारिश से मौसम में काफ़ी तब्दीली आई थी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ था ताइबा लॉन में खड़ी पौधों को साफ कर रही थी तभी वो किचन में झांकने के बाद बाहर चला आया ये क्या हो रहा है पौधों को साफ कर रही हूँ बारिश क्या कम थी जो तुम साफ कर रही हो वो हाथ सीने पर बांधे, डांटने के अंदाज में बोला था सारे पौधे मट्टी मट्टी हो चुके हैं सोचा पानी से साफ कर लूँ वो धीमे लहजे में सफाई देते हुए बोली बेवकूफ़ हो तुम जाओ कपड़े चेंज करो सर्दी से बीमार पड़ जाओगी रख दो तो ये पाइप हमात कुछ नहीं होगा मुझे आप फिक्र ना करें बस अभी दो मिनट में फारिक हो जाऊंगी देखें ना कितने निखर से गए हैं वो खुशी से पौधों की तरफ देखते हुए बोली तो हमाद ने आगे बढ़कर पाइप पकड़कर दूर फेंक दिया और अच्छा खासा डांट दिया एक बार कह दिया ना जाओ ठंड से ज़ुकाम हो जाएगा वो इसके डांटे पर घबरा सी गई और फौरन अंदर की तरफ भागने लगी तो हम्माद ने फौरन इसकी कलाई अपनी मज़बूत गिरफ्त में ले ली तायबा ने हैरत से पलट कर देखा हम्माद के होठों पर मुस्कुराहट थी जबकि तायबा की आँखें नम थी ए क्या हुआ बेवकूफ़ पागल अहमक लड़की हो तुम हम्माद ने दाएँ बाजू के घेरे में इसे समेट लिया और बड़ी नरमी से इसके आंसू साफ किए ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि तुम्हें मेरे रवैये ने बहुत हर्ट किया है क्योंकि ऐसा हुआ है लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है खामखा खा बीमार पड़ जाती तो तुम्हारी सारी तकलीफें मुझे ही होनी थी ओके बाबा सॉरी तायबा की आंखें छलक पड़ी तो वह इसके सीने पर सर छुपा कर रो दी अरे अरे ये क्या रोना धोना बंद करो देखो तो मेरी शर्ट भीग गई है और मम्मा ने देख लिया तो मुझे बख्शेंगी नहीं मैं तो मजाक कर रहा था यार लेकिन हाँ एक हद तक सच्चाई भी थी मैं तुम्हें तकलीफ में हरगिज़ नहीं देख सकता मैं तो तुम्हारे लिए खुशियों की नवीद लाया हूँ और तुमने समंदर बहाने शुरू कर दिए क्या तायबा फौरन रोना भूल गई भई हनीमून पर जाने का पक्का बंदोबस्त करके आया हूँ वो शर्मा कर नजरें झुका गई हम्माद ने इसका लटकता दुबट्टा इसके शानी पर डालते हुए आहिस्गी से कहा दुबट्टा मुझे तुम्हें ओढ़ना सिखाना पड़ेगा जब भी देखा ज़मीन पर सजदे करते पाया है इसे हमाद ने दोबारा इसे करीब करने की कोशिश की तो वो चिकनी मछली की तरह गिरफ्त से पिसल गई और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी दुआ बालकोनी में उदास बैठी थी वो हार ही तो गई थी अपनी ज़िंदगी से अपनी मोहब्बत से ऐसा ही होता है ज़िंदगी के मुकाबले में इंसान हार जाता है दुआ बेटा चाय कब से पड़ी ठंडी हो रही है मम्मा ने इसे यूं बैठे देखा तो दुख की एक लहर इनके बदन में उठी थी वो बेटी के दर्द को समझती थी बेटी की वीरान उजड़ी हालत पर इनका दिल कट कर रह जाता था दिल नहीं चाह रहा मम्मा इसने होंस उसी अंदाज में बैठे बैठे जवाब दिया था अपना सर घुटनों में दिए वो चुपचाप सी आंसू बहा रही थी इसे इर्द गिर्द की कोई खबर न थी और ना ही जानना चाहती थी बेटा मम्मा इसके करीब बैठ गईं फिर धीरे धीरे इनका हाथ इसके बालों में रेंगने लगा था ऐसे नहीं जिया जाता इसने धीरे से सर उठाया था कैसे जिया जाता है आंसू बारिश के कतरों की सूरत में गिरने लगे थे मम्मा मुझे जीना सिखा दें मैं अकेली रह गई हूँ मुझे जीना सिखा दें वो सिसकते हुए इनके गले लगकर और शिद्दत से रोने लगी थी हम सब हैं ना तुम्हारे साथ तुम्हारे पास तुम अकेली नहीं हो मेरी जान अच्छा हुआ जो इसकी हकीकत सामने आ गई तुम इसके लिए ख़ुद को क्यों तकलीफ़ देती हो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं सोचो अगर शादी के बाद इसकी हकीक़त सामने आती तो तो तुम क्या करती जो होता है अच्छे के लिए होता है अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई नेकी पसंद आई थी जिसके बदले में इसने तुम्हें इस धोखेबाज इंसान से बचा लिया भूल जाओ सब कुछ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो मम्मा की आंखें भी भर आई थीं कई साल गुजर जाने के बावजूद इसकी हालत में रत्ती भर भी कोई फ़र्क ना आया था वही खोई खोई सी कैफियत वही बिखरी बिखरी सी जिंदगी से वो रूट चुकी थी वो ज़िंदगी का सामना ही नहीं करना चाहती थी मुझसे इसकी उदासी नहीं देखी चाहती तयबा ने बड़ी अफसरदगी से दुआ की तरफ़ देखते हुए हमाद को कहा था बदले में वो खामोश रहा लेकिन अफसर्दगी से इसके चेहरे पर भी वाजे थी हाय गर्ल, आज इतने दिनों बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी की याद कैसे आ गई यूनिवर्सिटी के लान में गुमसुम बैठी दुआ को देखकर वो सीधा इसकी तरफ चला आया और धप से ज़मीन पर बैठते ही इसने खुशगवार लहजे में पूछा कैसी हो तुम और कहाँ गायब थी इतने दिनों से दुआ ने खामोश रहने में ही आफियत समझी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अब की बार आवाज़ में सख्ती थी जबकि दुआ कुछ भी ना कहने का तहिया कर चुकी थी तुमसे बात कर रहा हूँ दुआ पहली बार इसने इसे इसके नाम से पुकारा था लेकिन अब की बार वो चीखा था वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स इन दोनों की तरफ मुतवज़ा हो गए थे लोगों को अपनी तरफ मुतव देखता पाकर अचानक वो उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए वो जल्द अज जल्द वहाँ से गायब होना चाहती थी इसके बढ़ते कदम देखकर कर हमजा भी इसके पीछे लपका इसे अपने पीछे आता देखकर दुआ ने अपने कदमों की रफ्तार और भी तेज़ कर दी थी मगर हमज़ा ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचकर अपने सामने खड़ा कर दिया इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी क्या बदतमीज़ है क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो यहाँ लड़कियों की कमी नहीं है वो चीखी थी अगर सरोकार नहीं है तो इन सब का क्या मतलब है मिस्टर हमज़ा खाकवानी तुम्हें सरोकार है इनसे लेकिन तुम्हें आदत पड़ चुकी है हर औरत पर अपना जाल फेंकने की वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी इसकी रंगत गुस्से में सुर्ख हो गई थी मुझे तुमसे बात करनी है इसके लहजे में तरशी और आंखों में गुस्सा तैरते हुए देखकर वो नहायत नरमी से बोला था मगर दुआ होंज उसी अंदाज में चिल्लाई थी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी छोड़ो मेरा हाथ इसने अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की मगर हमजा की गिरफ्त और मजबूत हो गई इसने बहुत ही धीमे लहजे में कहा था शादी करोगी मुझसे बम था जो इसके कानों के करीब फटा था एक बार फिर वही जुमला था वही दुआ थी वही मौसम था वही शहर था लेकिन ये जुमला बोलने वाला कोई दूसरा था जिससे वो हमेशा दूर भागती थी वही इसके करीब चला आया था इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था इसे लग रहा था जैसे इसके बदन में चलता खून मंजमंद हो गया हो इसकी आंखें बरसने लगी थीं फिर न जाने कैसे इसमें इतनी हिम्मत और तो आई कि एक जोरदार तमाचे की गूंज ने सबको हैरान कर दिया वो झटके से अपना हाथ छुड़ाती तकरीबन दौड़ती हुई गेट की जानब बड़ी थी हिबा हजूम में सबसे आगे खड़ी ये तमाशा देख रही थी इसके लिए सब कुछ एक ख्वाब से कम न था दुआ इस वक्त लॉन में फूलों के साथ मसरूफ थी जब इसे अकब से आवाज़ सुनाई दी थी फूलों से बहुत लगाव है तुम्हें इसकी आवाज़ अब वह हजारों लोगों की मौजूदगी में भी पहचान सकती थी जल्दी से इसने अपना दुबट्टा सर पर डाला वह सोकर उठी थी तो गले में दुबट्टा डाले लॉन में आ गई थी आज संडे था और वह हर संडे कुछ वक्त फूलों के साथ गुजारती थी इसके बालों की लटें लटकी हुई थीं जिसे इसने कानों के पीछे उड़ाया हुआ था हमज़ा को वहाँ देखते ही फ़ौर सर पर दुबट्टा ओढ़ लिया और अगले ही पल सख्त लहजे में गोया हुई भाभी अंदर हैं आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं ऐसे किसी की ज़िंदगी का फैसला नहीं सुनाते वो एहतजाज कर रहा था कैन यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हेयर नहीं इसने इनकार करके इसे हैरान कर दिया था फिर वो खुद ही उठकर वहां से जाने लगी तो इसने हाथ बढ़ाकर इसे रोक लिया था ऐसे नहीं जा सकती तुम मेरी ज़िंदगी का सवाल है वो आँखों में आंखें डालकर बोला तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले इसने अपना हाथ उठाकर इसे कहा था फिर अगले लम्हे इसके बड़े हुए हाथ पर वही हाथ मारकर इसके हाथ को तेज़ी से झटक दिया था यूं मेरी राह रोककर खड़े होने की कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं इन बेवकूफ़ लड़कियों में से नहीं हूँ जो उनकी तरह तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर अंधा एतमाद करके तुम पर ईमान ले आऊँगी जू ही इसने कदम बढ़ाए तो इसने इसका हाथ पकड़कर इसे खींच सामने खड़ा किया और रहर खुंद लहजे में बोला तुम हो क्या चीज़ हाँ बोलो क्या हो तुम समझ क्या रही हो तुम खुद को मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे ख्वार होता फिरूंगा और तुम दूर से मेरी बर्बादी का तमाशा देखती रहोगी या आए दिन हर रोज़ तुम्हारी खिदमत में पे पेश होकर यही कहता रहूं कि दुआ मुझे तुमसे मोहब्बत है अपनी मोहब्बत भीख की सूरत में, में मेरी कशकोल में डाल दो इतने नखरे क्यों दिखा रही हो क्या चाहती हो तुम मुझसे ऐसा सुलूक तो कोई जानवर से भी नहीं करता जो तुम मुझसे कर रही हो क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा इसकी आवाज़ में वाजे कर झलक रहा था हाथ छोड़ो मेरा अब की बार वो शायद होश में आई थी नहीं छोडूंगा जब तक तुम मुझे कोई हतमी जवाब नहीं दोगी वो जिद पर उतर आया था हाथ छोड़ो मेरा नहीं तो एक और थप्पड़ खाओगे मुझसे नहीं तुम्हें जो करना है कर लो मगर जवाब सुने बिना हाथ नहीं छोड़ूंगा मम्मा वो चीखने लगी क्या बकवास है दुआ तुम जवाब क्यों नहीं देती हो वो झुंझला गया था हाथ छोड़ो मेरा इसकी आंखों में आंसू आ गए थे तभी इसने इसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डालकर इसका हाथ छोड़ दिया क्या मिलेगा तुम्हें मेरे साथ ये सब करके वो इसके रुख मोड़ने पर बोला था क्यों नहीं सुनती तुम मुझे इसके दुखी लहजे पर वो खुद दुखी होने लगी थी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें जाकर किसी और को बेवकूफ़ बनाओ मुझ पर यह मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर हमज़ा तुम्हें यह खुशी होगी कि मैं पहले से ही बेवकूफ़ बनाई जा चुकी हूँ तुमसे पहले भी एक शख्स ये मेहरबानी कर चुका है मुझ में और हिम्मत नहीं है खुदा का वास्ता है चले जाओ यहाँ से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती वो इसकी तरफ़ देख चिल्लाई थी क्यों नहीं कर सकती इसलिए कि मैं अब किसी पर यकीन करने के लायक नहीं रही मैं इसकी बेवफाइयों को भूल नहीं पाती कभी नहीं जो एक बार इतनी शदीद मोहब्बत कर चुका हो वो दूसरी बार कैसे मैं जी तो रही हूँ लेकिन अंदर से तो मैं कब की मर चुकी हूँ वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी और आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे हमजा कुछ सुन नहीं पा रहा था इसे लग रहा था कि जैसे वो गर्म उबलते लावे में जलता कोयला बन गया हो इसके बदन में चिंगारियाँ भड़क उठी थीं इसे लग रहा था जैसे वो गिर जाएगा इसे सारी कायनात चकराती अपना वजूद चकराता महसूस हो रहा था तो क्या ये मेरी नहीं किसी और की है इसके साथ ज़िंदगी मजाक करेगी इसने सोचा ना था मेरे अंदर ज़िंदगी की हर रौनक मुरझा गई है मेरे अंदर के सन्नाटे मुझे खुश नहीं होने देते मैं सिर्फ जी रही हूँ तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करने आ जाते हो मत आया करो मेरे सामने वो बेखुद लहजे में इसके खामोश और साकत वजूद को देखते हुए अल्तजा करने लगी वो जो कब से खामोश था बामुश्किल खुद को बोलने पर आमादा करते हुए बोला तुमने जो कहना था वो कह दिया मेरा ख्याल है कि अब कहने को कुछ रहा भी नहीं मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरी जिंदगी मेरी खुशी का दारू मदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना पर है मेरे बारे में कम से कम एक बार ठीक से सोचना ज़रूर कुछ लम्हे बाद वो फिर से बोला अगर ज़िंदगी में मुझे कोई खुशी मिलेगी तो वो यही खुशी होगी वो खामोशी से इसकी तरफ देखने लगी थी चंद लम्हों बाद वो बोली थी तुम्हारे लिए शायद ये कोई इतनी बड़ी बात इतना बड़ा वाक़ ना हो लेकिन मेरे लिए मेरे लिए एक बम था कि जिसके फटने के बाद खुशी जैसे लफ्ज़ से ये ज़िंदगी महरूम हो गई जैसे बम फटने के बाद ज़मीन बंजर हो जाती है बिल्कुल उसी तरह मेरी ज़िंदगी भी बंजर और वीरान है ज़िंदगी मुझ पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो रही इसके कहे गए आखिरी अल्फाज मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं जस्ट टेल यूर पेरेंट्स दैट आई लेफ्ट यू कहने को एक छोटा सा जुमला है जो इसने बड़ी आसानी से कह दिया था लेकिन आज भी ये अल्फाज़ मेरी रूह को घायल कर देते हैं आज वो अपनी दुनिया में खुश है मुझसे मेरे लबों की हंसी छीन कर वो पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है दुआ ने देखा था कि हमजा बिना कुछ कहे खामोशी से वहाँ से चला गया था वो इसे जाते हुए देखती रही और फिर अपने ख्यालों में खोसी गई थी